जेंटलमैन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका दिवाली में प्रोग्राम क्या है? मतलब कोई नया धमाका, कोई नया पटाखा? उमंग के साथ? हाँ ये भगवान की लीला भी ना अपरंपार है, कहीं दिया जले तो कहीं जिया। ये किंजल बहन भी ना बर्नी खुली छोड़ दी और तेल की बूंदे भी गिरा दी। राशि सुनो, वो जरा डब्बा देना मुझे। आशु, तेल के डिब्बे में घी? अरे हाँ, चल नानी भाभी को जाकर बताते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत गुस्सा करेंगी, उन्होंने जो कहा है वो ही करूँ। राशि जाओ, अपनी मम्मी को आरती के लिए बुला कर लाओ। अब मम्मी जी, मम्मी शायद नीचे नहीं आएंगी, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा है, वैसे भी घर की पूजा में घर के लोग ही हो तो बेहतर है। किंजल बेटा, अब तुम अखंड ज्योत प्रज्वलित करोगी। जी, ये क्या है? माँ जी, मुझे लगता है कि अखंड ज्योत में घी नहीं, तेल है। हे भगवान, और ये प्रसाद तेल का बना है?
किंजल बेटा, तुमने अखंड ज्योत के लिए घी कहाँ से लिया था? माँ, जहाँ से आपने लाने के लिए कहा था, आपने कहा था ना कि चूल्हे के पास जो छोटी बर्नी रखी है उसमें से घी लेना। तो ये तेल कहाँ से आ गया? मणि जी। नानी भाभी। जा दौड़ के रसोड़े में जा और तेल और घी की दोनों की बर्नियां लेकर आ, जा जल्दी। गोपी बहू, याद करके बताओ तुमने शीरा प्रसाद बनाने के लिए कढ़ाई में क्या डाला था? माँ जी, मैंने तो वही घी डाला था जो आपने बनाया था। तो फिर प्रसाद में तेल की गंध क्यों आ रही है? नानी भाभी, कोकिला, ये तो तेल है। और माँ, मैंने भी इसी छोटी बर्नी से घी लिया था। और गोपी भाभी, आपने भी शीरा बनाने के लिए इसी में से घी लिया था ना? हाँ। तो फिर ये घी का तेल और तेल का घी, ये कैसे हो सकता है? आशु शहदल, दिवाली के शुभ अवसर पर इतनी बड़ी गलती? हाँ, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती? पांच घर में नहीं है तो इतने बड़े त्योहार की जिम्मेदारी तुम लोग संभाल नहीं पा रही? हाँ, मजाक बनाकर रख दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? सालों से जो प्रथा अपने घर में चली आ रही है वो आज कैसे खंडित हुई? क्यों टूटी वो? कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसी गलती करके तुम अपनी बहुओं को क्या शिक्षा देना चाह रही हो? मोटा भाई, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन आप और मोटा भाभी, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे अहम के जन्म के बाद बाकी सहमति से ये प्रथा मैंने शुरू की है। बेशक कोकिला, ये प्रथा तुमने शुरू की थी और शुरू होने के बाद ये हमारे घर की दिवाली की एक प्रथा बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने प्रथा शुरू की हो अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो हम माने ही ना। जरा सोचो कोकिला, अगर यही गलती तुम्हारी किसी बहू के हाथों हो गई होती तो क्या तुम माफ करती उसे? नहीं, तुम पूरे घर को सर पर उठा लेती, तूफान खड़ा कर देती। लेकिन आज ये गलती तुमसे हुई है इसलिए सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मोटा भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती घर के छोटे से हुई हो या फिर बड़े से, अगर घर की परंपरा किसी ने तोड़ी है तो उसे माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने ऐसी कोई भारी गलती ना आज की है ना आगे कभी होगी मुझसे। तो फिर ये सब क्या है कोकिला, है कोई जवाब तुम्हारे पास? मोटा भाई, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, आप भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है मोटा भाई, कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं मोटा भाई कि ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी की सोची समझी और जानबूझकर रची गई चाल है। आप ही सोचिए, 20 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि घी तेल बन जाए। इस बार ऐसा क्यों हुआ मैं पता लगा कर रहूंगी।
राशि। जाओ दूसरे दिए में शुद्ध घी डालकर ले आओ। जी। रुको, आप सभी मेरे साथ हॉल में चलिए। पिछली बार भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी और इस बार भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर गुनेगार की जबान सच नहीं बोलेगी तो उसकी उंगलियां तो जरूर सच बोलेगी। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।